12 नवंबर से अगले 12 दिन तक चले ऑपरेशन जिंदगी के फाइनल राउंड में हर स्ट्रेटजी तैयार हो चुकी थी। टनल के बाहर 40 एम्बुलेंस की तैनाती, 15 डॉक्टर्स की टीम, 41 बेड्स का अस्थायी अस्पताल और यहां तक पहुंचने के लिए ग्रीन कॉरिडोर। प्रशासन ने हर वो पुख्ता इंतजाम कर रखा था जिसकी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद फौरन जरूरत पड़ने वाली थी, और इसके साथ ही फाइनल राउंड में तैयार था फाइनल एक्शन प्लान। आखिरी चरण में रेस्क्यू टीम ने एक स्ट्रेटजी तैयार की जिसके मुताबिक ड्रिलिंग पूरी होने पर टनल के अंदर एनडीआरएफ के 15 सदस्य जाएंगे, जो अपने साथ ऑक्सीजन गैस कटर लेकर जाएंगे। इसके साथ ही ये प्लान भी बनाया गया कि सभी कर्मचारियों को तुरंत बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि अंदर और बाहर के तापमान में भारी अंतर होगा। वहीं कमजोर कर्मचारियों को पहले निकालने की प्लानिंग है ताकि उन्हें स्केट ट्रॉली से बाहर निकाला जा सके। इसी एक्शन प्लान के साथ रेस्क्यू टीम ने इस ऑपरेशन के आखिरी पड़ाव को अंजाम देना शुरू किया। बारह दिन से गुप अंधेरी सुरंग के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, और अब जिंदगी जिंदाबाद कहने का वक्त बेहद नजदीक आ गया है, और इसे लेकर तैयारियां भी बेहद तगड़ी कर दी गई हैं। दरअसल जब सिलकियारा टनल में रेस्क्यू के फाइनल राउंड को अंजाम दिया गया, उसे पूरा होने से पहले ही टनल के पास चिन्याली सौड़ में एक अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाया, ताकि अगर किसी वर्कर की तबीयत बिगड़ती है तो इस हालात से निपटने के लिए चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी पर तैनात चिनूक हेलीकॉप्टर उन्हें एम्स ऋषिकेश ले जा सके। साफ था कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, बस इंतजार था 41 वर्कर्स के बाहर आने का। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक के बाद एक कई बाधाएं सामने आई, लेकिन कर्म वीरों को बचाने में जुटे बचाव वीरों ने इन सभी बाधाओं को एक एक कर पार कर लिया। लेकिन जब फाइनल राउंड का नतीजा सबसे करीब था, तो करीब 55 मीटर के पास गार्डर ने ड्रिलिंग का काम रोक दिया, और फिर गैस कटर से गार्डर को काटने का काम शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ टीम की भी मदद ली गई, और घंटों तक काम करने के बाद एक बार फिर रेस्क्यू टीम ने जिंदगी जिंदाबाद ऑपरेशन में पूरा दम झोंक दिया। ऑपरेशन जिंदगी का आखिरी पड़ाव, और इस दौर में एक गलती की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एक चूक 12 दिन की कड़ी मेहनत पर पानी फेर सकती थी। इसी के तहत तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंच गए और वहां हालात का जायजा लिया। वीके सिंह पहुंचे ही थे और हालात का जायजा ले ही रहे थे, तभी आसमान में एक और हेलीकॉप्टर नजर आया, और इस हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उतरे। धामी ने भी वहां जाकर रेस्क्यू टीम से बात की और हालात का जायजा लिया। टनल के अंदर 41 मजदूर 12 दिन से फंसे हैं, और उसकी वजह है 12 नवंबर को अचानक हुआ एक हादसा। 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे उत्तरकाशी के सिलकियारा से बड़कोर के बीच बन रही निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा ढह गया, और करीब 4.5 किलोमीटर लंबी इस टनल के अंदर 60 मीटर तक मलबे की एक दीवार बन गई। मुसीबत सिर्फ इतनी ही नहीं थी, मलबे के उस तरफ 41 मजदूर भी थे, लेकिन गनीमत यह थी कि सब सही सलामत थे। पर सवाल यह था कि मजदूरों को बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि सिलकियारा की तरफ से टनल का हिस्सा ढह गया और बड़कोट की तरफ से यह टनल पहले से ही बंद थी, यानी कि करीब 200 मीटर की दूरी के अंदर ये 41 मजदूर फंसे हुए थे। जैसे ही टनल ढहने की खबर मिली, प्रशासनिक स्तर पर 41 जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, और पहली चुनौती थी मलबे को रोकने की। मलबा ढहकर नीचे आ चुका था, 60 मीटर की एक मजबूत दीवार बन चुकी थी, और दीवार के उस तरफ 41 कर्मचारी फंसे हुए थे। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले प्लान बनाया कि ऊपर से आने वाले मलबे को रोका जाए, और इसके लिए कंक्रीट का सहारा लिया गया। कंक्रीट के जरिए मलबे को रोका गया, और फिर मजदूरों को बाहर निकालने के लिए तैयारियां तेज कर दी गईं। ऑपरेशन जिंदगी को 48 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब तक कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। छोटी मोटी मशीनों से ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ, लेकिन इन मशीनों से जल्द रेस्क्यू की उम्मीद बेमानी थी।
वक्त बीत रहा था। 41 वर्कर इस ठंड के मौसम में अंधेरी सुरंग के अंदर 48 घंटे से फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें जल्द बाहर निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इन सब के बीच राहत की बात ये थी कि कर्मचारियों से संपर्क हो पा रहा था, पानी के पाइप के जरिए उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी। खबर ये भी आई कि उन्हें ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स भी अंदर पहुंचाए गए हैं, लेकिन सवाल ये था कि आखिर उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि छोटी ड्रिलिंग मशीन से ये काम जल्द पूरा होना लगभग असंभव था। ऐसे में इन छोटी मशीन के बदले अमेरिकन ऑगर मशीन को इस रेस्क्यू में इस्तेमाल करने का प्लान बनाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन अमेरिकन ऑगर मशीन को रेस्क्यू के लिए मंगवाया गया और फिर इस डिमांड को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मैदान में उतर गए इंडियन एयरफोर्स के बाहुबली जिनका नाम है हरक्यूलस। उत्तरकाशी टनल हादसे को अब तक 72 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका था। ऐसे में इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हरक्यूलस विमान की मदद ली गई और 3 एयरक्राफ्ट में अमेरिकन ऑगर मशीन के अलग अलग पार्ट एयरलिफ्ट कर चिन्याली सौर एयर पट्टी तक पहुंचाया गया और फिर वहां से उन्हें बड़े बड़े ट्रक की मदद से सुरंग तक लाया गया। अमेरिकन ऑगर मशीन मिशन में जुट गई और इस मिशन के तहत 900 mm के पाइप को मलबे में डाला जाने लगा, लेकिन यह स्ट्रेटजी भी कामयाब नहीं हुई और अमेरिकन ऑगर मशीन ने बीच मिशन में ही धोखा दे दिया और काम रोकना पड़ा। दरअसल सुरंग में 5वीं ट्यूब डालते ही मलबा मशीन पर गिरने लगा। इसके तुरंत बाद बचाव कर्मी सुरंग से बाहर निकले और ऑपरेशन को लगभग 1 घंटे के लिए रोक दिया गया और फिर दूसरे विकल्पों के बारे में भी सोचा जाने लगा। भले ही ऑगर मशीन के खराब होने से काम रुक गया हो, लेकिन स्ट्रेटजी बनती रही और एक 6 प्लान की रणनीति तैयार की गई। हालांकि एक रणनीति ऐसी भी थी जो प्लान ए में नहीं थी, लेकिन उसे विकल्प के तौर पर रखा गया था। प्लान नंबर 1, सिल्कियारा एंड से रेस्क्यू को रिप्लान किया गया। प्लान नंबर 2, बड़कोट से टनल को खोदा जाएगा। प्लान नंबर 3, हादसे वाली जगह वर्टिकल ड्रिलिंग। प्लान नंबर 4, हादसे वाली जगह परपेंडिकुलर ड्रिलिंग। प्लान नंबर 5, हादसे वाली जगह दूसरी तरफ से परपेंडिकुलर ड्रिलिंग। प्लान नंबर 6, टनल और मलबे के बीच से रोबोट भेजने का प्लान। ऐसे में जल्द ही कामयाबी मिलने की उम्मीद जताई जाने लगी, पर सामने मुसीबत थी ड्रिलिंग करने की, जो अमेरिकन मशीन के खराब होने की वजह से रुकी हुई थी। अमेरिकन ऑगर मशीन जैसे ही खराब हुई, इसकी सूचना प्रशासन और प्रशासन से सरकार तक पहुंची और फिर देखते ही देखते बिना वक्त गवाए इंदौर से अमेरिकन ऑगर मशीन को एयरलिफ्ट कर लाया गया और फिर से मलबे के बीच से जिंदगी जिंदाबाद के ऑपरेशन की एक नई उम्मीद नजर आने लगी। दरअसल मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के अभियान में उस वक्त बाधा आई थी जब ड्रिल करने वाली मशीन के चलने के बाद जो वाइब्रेशन हुई, उसकी वजह से सुरंग के अंदर मलबा गिरने लगा और फिर मशीन को बंद कर देना पड़ा था, लेकिन बाद में सुरंग में पाइप डालने के लिए नई तकनीक की मदद ली गई। केंद्र और राज्य सरकार के आदेश पर उत्तराखंड की उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, ताकि 41 जिंदगियों को अंधेरे से उजियारे में जल्द से जल्द लाया जा सके। रेस्क्यू टीम को किसी भी चीज की कमी न हो, कोई भी चीज उनके रेस्क्यू में आड़े न आए, इसका विशेष ध्यान रखा गया। वही वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को भी रेस्क्यू के 8वें दिन जरूरत के मुताबिक सुबह सुबह सिल्कियारा टनल से बाहर पहुंचा दिया गया, ताकि हॉरिजेंटल ड्रिलिंग के साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि टनल के दाएं और बाएं तरफ से तो खुदाई जारी थी। ऐसे में तीसरा विकल्प था वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के जरिए ऊपर से खुदाई। साढ़े 4 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंदर 41 जिंदगियां 9 दिन से जंग लड़ रही थी और हिम्मत देखिए, चेहरे पर एक शिकन तक नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि टनल से उन्हें बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा था। एक तरफ एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ टनल में फंसे लोगों को ऑक्सीजन, पानी और खाना पहुंचाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा था, ताकि उनकी भूख प्यास दिमाग पर हावी न हो पाए और आखिरकार 9वें दिन पहली बार 41 कर्मचारियों तक खाना पहुंचाया जा सका। 10 दिन और करीब 225 घंटे के बाद जब पूरे देश ने ये तस्वीर देखी,
तो खुशी का ठिकाना न रहा। जो मजदूर दो तरफा बंद सुरंग में 10 दिन से फंसे थे, जब उनका जज्बा देखा तो हर चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान नजर आने लगी। सोचकर भी रूह कांप जाती है कि पिछले 12 दिन से 41 मजदूर एक सुरंग में बंद हैं। लेकिन बावजूद इसके जब 10वें दिन कैमरा सुरंग के अंदर पहुंचा तो कोई भी मजदूर हताश नजर नहीं आया और सभी के चेहरे पर एक पॉजिटिविटी नजर आई। सबसे अच्छी बात यह थी कि लगभग सभी मजदूर एक्टिव थे और रेस्क्यू टीम की पूरी मदद कर रहे थे। लगभग सभी के सिर पर हेलमेट थे ताकि अगर रेस्क्यू के दौरान थोड़ा बहुत मलबा अंदर भी गिरता है तो कोई अनहोनी न हो जाए। इस पूरे मिशन में ऑपरेशन जिंदगी के 10वें दिन एक के बाद एक कई कामयाबी हाथ लगी और उन कामयाबी में एक कामयाबी थी 41 वर्कर्स तक एंडोस्कोपी कैमरा। सुरंग के अंदर जिस कैमरे को भेजा गया वो कोई आम कैमरा नहीं है, क्योंकि इस कैमरे का डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं। इस कैमरे को तकनीकी भाषा में एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा कहते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के 11वें दिन भी एक के बाद एक कई खुशखबरी सामने आई और वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए टनल के ऊपर से छेद किया जाने लगा। ऐसे में रेस्क्यू टीम को डर है कि कोई अनहोनी न हो जाए। रेस्क्यू टीम ने पाइप से निकालने के अलावा एक और प्लान बनाया है, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान मलबा गिरने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में 41 वर्कर्स को बचाने के लिए ऑपरेशन रूट भी तैयार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सीमेंट की ब्लॉक से एक रास्ता बनाया जा रहा है, जिसे वर्कर्स की सुरक्षा के मद्देनजर तैयार किया गया है। अगर ड्रिलिंग के दौरान गलती से भी मलबा गिरा तो ऑपरेशनल रूट को यूज किया जा सकता है। मिशन को कामयाब बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। ऐसे में जब 900 mm के पाइप को टनल में डालने में कामयाबी नहीं मिली तो 800 mm के पाइप को अंदर डाला जाने लगा। 900 mm के पाइप के जरिए पहले 41 वर्कर्स को बाहर निकालने की बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन ये प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकी। ऐसे में 800 mm पाइप अंदर डालने का प्लान तैयार किया गया और उम्मीद जताई जाने लगी कि श्रमवीरों की हिम्मत और रेस्क्यू टीम की मेहनत जल्द ही रंग लाएगी। टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे रहे और ये मजदूर सिर्फ एक राज्य के नहीं थे। टनल में 8 राज्यों के 41 कर्मचारी फंसे हैं, जिनमें उत्तराखंड के 2, हिमाचल प्रदेश का 1, यूपी के 8, बिहार के 5, पश्चिम बंगाल के 3, असम के 2, झारखंड के 15 और उड़ीसा के 5 मजदूर शामिल हैं। ऐसे में इन्हें बचाने के लिए पीएमओ से लेकर सीएमओ ने पूरी ताकत झोंक दी है। दुनिया में टनल के अंदर कई हादसे हुए, कई जाने गई, कई लोगों को कई दिनों के बाद जिंदा बाहर बचाया गया और उन रेस्क्यू की कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। ऐसे में उत्तरकाशी का ऑपरेशन भी आसान नहीं था, क्योंकि मजदूर और जिंदगी के बीच एक मलबे की दीवार खड़ी थी जिसे भेदना आसान नहीं था। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही हम इंडियंस की पहचान है।